हेलो एवरीवन, इतनी रात में एसएससी ने हिला दिया और सच कहूं तो मुझे मजा आ रहा है ये कहते हुए कि एसएससी ने तो बिल्कुल मौज कर दी। बेटा एमटीएस की वैकेंसी आई है और 10,000 सुपर वैकेंसी आई है। हवलदार का मिला लिया जाए तो करीबन 12,000 वैकेंसी एसएससी लेके आई है एमटीएस के लिए। और देखो बेटा, इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी मैं इसका लिंक, अभी जो पीडीएफ है, ये सब मैं शेयर कर दूंगी अपने इसी चैनल में और अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वो है केडी लाइव। राइट, आइए सबसे पहले देखते हैं जो हमारा एमटीएस का आया है और हवलदार का आया है। ये शुरू हो चुका आज से ही, और आज से आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ये है 17/2, यानी 17 फरवरी लास्ट डेट है इसका। याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम होने वाला है ये समवेयर इन अप्रैल होगा, यानी आपके पास तैयारी करने के लिए भरपूर समय है। अब आ जाओ मैं आपको इसका डिटेल बता दूं। बेटा वैकेंसीज देखिए आप, करीबन 10,880 वैकेंसी आया है एमटीएस का, और हवलदार का जो वैकेंसी है 529 है। लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी से भी और बढ़ेगी और ये करीबन 12-12.5 के लगभग जाके रुकेगी। याद रखिएगा, ये आपका कंप्लीट डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये कंप्लीट डिटेल आपके लिए जानने की जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूं वो बिल्कुल मुख्य पॉइंट बताना चाह रही हूं, और वो है 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और 98/2/1998 और 1/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और याद रखना, इसके ऊपर या इसके नीचे आप तभी हो सकते हो अगर आप एसटीएससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी 3 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप किसी भी क्राइटेरिया में आते हो तो आपको छूट मिल सकता है। अदरवाइज 18 से 25 साल बिल्कुल यही एज होना चाहिए आपका। अब आती हूं मैं, अगर आप पॉइंट को देखोगे 16.2 को, तो आप देख लो यहां पे कि 16.1 में और 16.2 में आपको पूरा एज क्राइटेरिया आपको डिटेल में मिल जाएगा। अब मैं चलती हूं सीधा जो मजेदार चीज है, और आपको देखकर आश्चर्य भी होगा कि एसएससी ने क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं। इस पर जरा देखिए, आप खुद देखो इस बार जो एसएससी ने कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है, बस एक ही एग्जाम होगा, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा एमटीएस में। हाँ, हवलदार के लिए आपके फिजिकल टेस्ट वगैरह जो क्राइटेरिया होते हैं वो होगा, लेकिन इसमें 2 सेशन होंगे। सेशन 1 मैथ्स 20 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, यानी 60 मार्क्स का हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 60 मार्क्स के ये भी होंगे। ये सेशन 1 में होगा। बेटा सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस होगा, 25 क्वेश्चन अगेन इनटू 3, 3 मार्क्स के होंगे, यानी 75 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे, अगेन 75 मार्क्स, यानी 3 का हो गया। मजेदार बात तो अब आने वाला है, ये आप ध्यान से देखिए, ये सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और सबसे मजेदार बात तो अब आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए, जरा ये सिलेबस देख लो। बेटा सिलेबस वही है जो हमेशा से सिलेबस रहा है। मैं हमेशा कहूंगी आपको कि बेटा एक तैयारी करोगे आप तो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सब का सब तैयारी एक साथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें याद रखना आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक एग्जाम की तैयारी करोगे सब होगा। लेकिन एमटीएस को बहुत हल्के में मत लेना, क्योंकि सीजीएल वाले हो सीएचएसएल वाले हो सब लोग इसमें भरेंगे। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मात्र 10वीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ 10th। लेकिन आपको पता है सरकारी नौकरी की इतनी मारामारी है कि इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब भरेंगे, इंजीनियर्स लोग भी भरेंगे। इसका मतलब अगर सीजीएल में नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको अभी तक नहीं मिली है, वो भी एमटीएस भरेंगे। इसीलिए आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते, इसकी तैयारी आपको कंप्लीट डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। अब सुनो, ये आपका सिलेबस है। अब मैं एक रफ आइडिया देख रही हूं सिलेबस देखते हुए, तो मुझे लग रहा है कि सारा वही सिलेबस है जो सिलेबस सीजीएल का है।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट मैं चलती हूं आपको, जरा देखना 4.18 नंबर में आ जाइए सीजा, और यही सबसे मजेदार सेक्शन है। आपको खुद आश्चर्य होगा कि नहीं पता इस बार क्या हुआ है और क्यों ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस जो कैंडिडेट का है वो सेशन वन में इवैल्यूएट पहले होगा, यानी मैथ्स और रीजनिंग पहले इवैल्यूएट होगा और उसके बाद इंग्लिश और जीएस यानी सेशन टू इवैल्यूएट होगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 30% तो होना ही चाहिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले 25% तो मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा और अदर कैटेगरीज वाले 20% आपको लाना ही पड़ेगा, यानी कि इतना क्वालिफाइंग मार्क्स तो है जो सेशन वन और सेशन टू में आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात है आपको जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो मैं बताती हूं कौन सा है। 18.10 में आइए, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस परफॉर्मेंस इन सेशन टू कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ इंग्लिश और जीएस के बल पर ही बनेगा। दीप चंद्र देख लो बेटा, इंग्लिश से तो प्यार करना ही पड़ेगा आपको, है ना? अगर इंग्लिश से प्यार करना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका मतलब समझ में आ रहा है, रीजनिंग और मैथ सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बनेगा ऑन सेशन ऑन बेस्ड ऑन सेशन टू। याद रखिएगा आपको फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है फिजिकल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह होता है वो तो होगा, लेकिन आपका जो कैंडिडेचर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीएस जो सेशन टू में है उसके बल पर बनेगा और इसी बल पर आपका सिलेक्शन होगा या फिर आप रिजेक्ट होगे। फिर से मैं समराइज कर दूं, आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, आप मैट्रिक पास होना चाहिए, वैकेंसी करीबन 11,500 से ऊपर जा रही है अभी ही। अगर आप इसमें तैयारी करते हो तो आपको इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स एंड जनरल स्टडीज तैयार करना पड़ेगा। पहला सेशन में मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा 20-20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 60-60, 120। अगर आप सेशन टू देखोगे उसमें इंग्लिश है और जीएस है, 25-25 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, यानी 75-75, यानी 150 मार्क्स हो गए। उसके बाद आप जब एग्जाम दोगे तो आपका क्वालिफाइंग दोनों पेपर में अलग अलग, दोनों सेशन में, दोनों सेशन यानी मैथ्स रीजनिंग सेशन वन और इंग्लिश और जीएस सेशन टू दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन सेशन वन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, आपका जो मेरिट बनेगा वो सेशन टू से बनेगा जिसमें इंग्लिश और जीएस है। बेटा इंग्लिश और जीएस को बहुत बहुत वैल्यू दिया जा रहा है, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, और अब हम देख रहे हैं एमटीएस में तो मैथ्स और रीजनिंग को क्वालिफाइंग ही कर दिया है। तो मेरे साथ आप जरूर बने रहिए, हम बहुत बढ़िया बैच, डेडिकेटेड बैच लेके आएंगे केडी लाइव में, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी इस चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको तैयारी यहां पर ऐसे ही करा रही हूं। इसीलिए याद रखिएगा कि केडी लाइव बेटा डेडिकेटेड चैनल अलग बना रही है, आप केडी लाइव के डेडिकेटेड चैनल्स है उसमें आइएगा, क्योंकि अब हम लोग एसएससी केडी लाइव करके एक न्यू चैनल बना दिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आएंगे बेटा उसमें अलग से चलेगा, दिल्ली पुलिस का अलग चलेगा, यूपी का बिल्कुल अलग चलेगा, ठीक है? और याद रखिएगा कल मैं बहुत बड़ा एक न्यूज लेके आऊंगी, एक अच्छा खासा धमाका जो केडी लाइव और कह सकती हूं मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बहुत बढ़िया न्यूज होगा आपके लिए, एक बहुत शानदार अवसर इंडिया के बेस्ट टीचर से और बेस्ट तरीके से बेस्ट स्टडी मटेरियल से पढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर आएगा, मैं कल उसका अनाउंसमेंट करूंगी। आज मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूं बेटा,
नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना, अपने जो फोटोग्राफ अपलोड करते हो जस्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको ध्यान में रखते हुए करोगे, और तैयारी जो करोगे बेटा टारगेटेड तैयारी करो, बहुत कुछ पढ़ लोगे, बहुत जगह पढ़ लोगे और बहुत चीजें पढ़ लोगे। स्मार्ट वर्क करना सीखिए, हार्ड वर्क गधा भी करता है, राइट? हाँ, आपको एक क्वेश्चन हो तो बताइए। बेटा इंग्लिश अगर वीक है तो पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको बेटा, ये इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल को आप सबले सब्सक्राइब करो, है ना। गुरु दक्षिणा पहले दो बेटा, पहले जमाने में गुरु दक्षिणा पहले दी जाती थी, यही गुरु दक्षिणा है, पहले आप सब्सक्राइब करो। दूसरा SSCKD लाइव करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, उसमें बिल्कुल अलग एक कंप्लीट एक पैटर्न पे, इसी के पैटर्न पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। बेटा पैसा हो नहीं हो आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, और ये KD लाइव का वादा है कि पैसा नहीं है तो भी आप तैयारी करो फ्री में, पैसे हैं तो दे दोगे तो अच्छी बात है, तो कम से कम हमारा भी ऑनलाइन का खर्च निकलेगा, लेकिन पैसा नहीं हो इसके लिए तैयारी रुक जाए ऐसा नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। और याद रखिएगा सबका पैटर्न तो चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है आपको समझिए। बेटा बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स को बहुत हल्ला मचाने की शुरू से आदत है, और वो उनको इतना वेटेज दिया गया था ना SSC के द्वारा कि वो बिल्कुल एकदम मठाधीश बन के बैठे हुए थे। बेटा जितना सम्मान दिया जा सकता है उतना दीजिए, अगर SSC ने उनके सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है तो बेटा आपको भी ट्रिम करने की जरूरत है, इसीलिए आप भी आप थोड़ा ट्रिम करिए, जितना टेंशन जितना आप डेडिकेशन के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप शायद उतना डेडिकेशन के साथ उसको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, और टाइम जहां देने की जरूरत है वहां पर आप टाइम नहीं देकर आप डी ग्रेड के जो होते हैं ना डी ग्रुप की नौकरी वो भी करने को तैयार थे, लेकिन बेटा अब तो आप MTS की नौकरी में भी आप इंग्लिश को अगर भाव नहीं दोगे तो मुश्किल होगा, इसीलिए मेरे साथ बने रहो, इंग्लिश मैं यूं तैयारी करा दूंगी आपको, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।